कहते हैं खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा, यही हाल होने वाला है नेपाल का। नेपाल ने अब एक बड़ा ही कारनामा कर दिया है भारत के साथ, जिसके बाद यह कहावत बिल्कुल फिट बैठ जाएगा नेपाल के ऊपर। आखिरकार अब ब्रिटेन ने चीन की तरफ अपनी सेना भेज दी है। आखिर ब्रिटेन ने ऐसा फैसला क्यों लिया, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार अब ब्रिटेन ने चीन की तरफ अपनी सेना भेज दी है, और आपको बता दें ब्रिटेन की इस नौसेना में पूरा का पूरा जंगी बेड़ा है, और इसे दक्षिण चीन सागर के फॉरवर्ड लोकेशन में ब्रिटेन ने भेजा है। वैसे आपको बता दें ब्रिटेन ने मार्च के महीने में अपने HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में भेजा था, लेकिन चीन के विरोध के बाद ब्रिटेन ने इसे वापस भी बुला लिया था, चाहे वह कोरोना में व्यस्तता की वजह से चीन से पंगे ना लेना हो या फिर चीन को बहुत ज्यादा दबाव में न डालना हो, इनमें से कोई भी कारण हो, लेकिन ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस बुला लिया था। लेकिन हुआ क्या, आगे चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता खत्म कर दी और नए कानून बना दिए, नए कानून थोप दिए। चूंकि हांगकांग का सीधा सीधा रिश्ता ब्रिटेन से था, एक समय ब्रिटेन का अंग था वह, और जिसे चीन को इस शर्त पर दिया गया था कि अगले 50 साल तक वह वहां की स्वायत्तता पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसे चीन ने अपने मन मुताबिक ढाल लिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में विरोध तो हुआ, लेकिन कोरोना की वजह से वह विरोध वैसा नहीं हो सका जैसा होना चाहिए। ब्रिटेन की जनता खुद भी यह मानती है कि हांगकांग को लेकर ब्रिटेन ने अपनी आवाज उतनी बुलंदी के साथ नहीं उठाई, और अब चूंकि चीन के साथ तनाव बढ़ चुका है दुनिया के महत्वपूर्ण देशों का, चाहे वह अमेरिका हो या फिर भारत हो, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाली लड़ाई अगर बड़ा रूप लेती है तो वो या तो ताइवान मिलेगी और नहीं तो भारत मिलेगी, ये दो क्षेत्र बन रहे हैं। ताइवान में लेती है तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा एक ट्रीटी साइन करा है ताइवान के साथ। वहीं अगर भारत के साथ होती है तो भारत तो पिछले 15 दिनों से अकेला ही खड़ा है और चीन को पीछे धकेल भी रहा है। ऐसे में अब यूके अमेरिका को भी एहसास होने लगा है कि भारत जैसा देश जब अपना दबाव बना सकता है और अपनी पहचान को कायम कर सकता है, तो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे सहयोगी अपनी छवि को धूमिल क्यों कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को उतार दिया है दक्षिण चीन सागर में, और वो भी अकेला नहीं बल्कि पूरे के पूरे जंगी बेड़े के साथ। और इन सब में खास बात यह है कि इस वक्त उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-35 विमाने हैं, यानी कि F-35 से पूरी तरीके से लैस होकर ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है कि वह अपने जंगी जहाजों को दक्षिण चीन सागर में भेजेगा, और वह भेज चुका है। इसे इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसके लिए उसने एक तरह से चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में भारत ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है। भारत, अमेरिका, वियतनाम, ब्रिटेन और भी कई देश हैं जो कि इस वक्त दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए छटपटा रहे हैं। बस एक कोई मौका होगा और वह एक बड़ी कार्रवाई का रूप ले लेगी। वैसे चीन इस वक्त इस माहौल को देखकर सकपका सा गया है, उसकी कई प्लानिंगें एक के बाद एक फेल होती जा रही हैं, जहां पेंगोंग झील इलाके में जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियां थी उन पर भारत बैठ चुका है, यानी कि 1962 का जो समय था उससे बिल्कुल उल्टा समय हो चुका है। इस वक्त भारत का एक सैनिक चीन के 9 सैनिक पर भारी पड़ने वाला है, और 1962 में ठीक इसका उल्टा था, भारत को 9 सैनिक चाहिए थे चीन के एक सैनिक को संभालने के लिए, क्योंकि जो दृश्य आज आप देख रहे हैं वह दृश्य उस वक्त बिल्कुल उल्टा था, ऊंचाई पर चीन था और घाटी वाले इलाके में भारत था। लेकिन आज समय बदल चुका है, तो एक तरफ जहां भारत करारी शिकस्त दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में महाशक्तियां घेर रही हैं चीन को।
ऐसे में चीन को घुटने पर आना तो तय ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल और चीन के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है और इस डील के मुताबिक नेपाल लगभग अपने 3 गांवों को दे रहा है चीन को, ताकि वह वहां पर अपने सैन्य ठिकाने बना सके। और खास करके ये कैलाश मानसरोवर के पास का इलाका है जिसे वह चीन को दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल ने एक नया दावा ठोका है। पड़ोसी मुल्क नेपाल वैसे तो आए दिन कोई न कोई नया कैंपेन आजकल चीन की सह पर चलाता है। पहले काला पानी विवाद खुद पैदा किया और जब कुछ नहीं हुआ तो एक मनमर्जी नक्शा पैदा कर दिया। अब चीन की सह पर नेपाल यहीं तक नहीं रुका है, बल्कि अब उसने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पर भी अपना दावा कर दिया है और बकायदा इसके लिए ग्रेटर नेपाल कैंपेन भी चलाया जा रहा है। नेपाल में सत्ताधारी दल ने वहां के नागरिकों को बरगला कर इस फिजूल के कैंपेन में शामिल भी कर लिया है। इसके लिए कई ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक पेज बनाए गए हैं। भारतीय शहरों को अपना बताने के लिए नेपाल साल 1816 में हुए सुगौली संधि से पहले की तस्वीरें दिखाकर अपने नागरिकों से ही धोखा कर रहा है। इस कैंपेन में विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नेपाली नागरिकों के जरिए वहां की सरकार भारत के खिलाफ ग्रेटर नेपाल चैनल और ट्विटर पर जहर उगल रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल के इस कैंपेन में पाकिस्तानी युवक भी शामिल हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार आने के बाद से इस तरह के प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नेपाल ने भारत के बड़े धार्मिक और हिंदुत्व प्रतीक भगवान राम पर भी अपना अधिकार जताने की कोशिश करी थी। काला पानी विवाद के तुरंत बाद ही सीमाओं के अतिक्रमण के बाद सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप भारत पर लगाते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया था कि राम वास्तव में नेपाल में पैदा हुए थे और असली अयोध्या भी नेपाल में ही है। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल की ओली सरकार चीन की भरपूर मदद कर रही है भले ही अपने क्षेत्र गंवाने हों? इस सिद्धांत पर कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचती रहें।